नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सदिश बीजगणित चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर कक्षा 12 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित का है। तो आज विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 9 चलेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने सवाल नंबर 9 लिख क्या रहा होगा कि दो बिंदुओं पी 2a प्लस बी और क्यू ए माइनस 3b को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुवार का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। और यह भी सर दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। तो आपको दिया हुआ है P और Q बिंदु रखे हैं, उनके स्थित सदिश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको दे रखा है OP बराबर दे रखा है 2a प्लस बी। ये हमें दे रखा है OP बराबर, और हमें OQ की वैल्यू रखी है, OQ बराबर कितना है a माइनस 3b, हमें इतना दे रखा है। और लिखा है को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में, अनुपात रखा है, इसका मतलब रखा है m अनुपात n बराबर 1:2। और आगे रखा है बाह्य विभाजन। अब देखिएगा बाह्य विभाजन कब होता है, बाह्य विभाजन करने पर सूत्र जो है क्या होता है, ठीक है। तो बाह्य विभाजन करने पर सूत्र जो होता है वो होता है m ओ क्यू माइनस n ओ पी और अपान होता है m माइनस n। ये हमारा सूत्र लगा है, इस सूत्र को रखकर ही हम इसका मान निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं हम इसे। सबसे पहले से हल करेंगे बराबर m, m का मान कितना है 1, तो 1 इंटू ओ क्यू का मान देखा है a माइनस 3b, तो लिखिए यहाँ पर a माइनस 3b। फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, n, n कितना है 2 इंटू ओ पी का मान हमारा कितना था 2a प्लस बी, और इसके अपान में कितना लिखा है m माइनस 1, इसका मतलब है 1 माइनस 2। हल करिए इसे, ये देखिए 1 की गुणा होगी तो ऐसे ही रहेगा, मतलब a माइनस 3b ही रहेगा, और आगे चल के जो है ये गुणा हो जाएगी अंदर, तो हो जाएगा 2 × 4 माइनस का 4a और माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस का 2b, और अपान में आ गया हमारा माइनस का 1। इसे भी और हल करना है हमें, देखिए और हल करेंगे कितना जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा 4a माइनस का है और a प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस का 3a, इसके बाद देखिए माइनस के 3b और माइनस का 2b, ये हुआ माइनस के 5b अपान माइनस का 1। तो देखिए इसका माइनस जो है वो हटा दिया जाएगा, तो रह जाएगा हमारा 3a और प्लस बी प्लस 5b, ठीक है। तो 3a प्लस 5b जो है हमारा इतना आ गया है, हमारा ये क्या निकल गया है, हमारा निकल गया है OR, बाह्य विभाजन करने पर हमारा OR निकल गया है 3a प्लस 5b। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि यहाँ भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है, तो हमें ये चेक करना है कि ये मध्य बिंदु है या नहीं है, ठीक है, दर्शाना है हमें। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सिंपल सा काम करना है, क्या काम करना है देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है आर क्यू का मध्य बिंदु, आर क्यू का मध्य बिंदु, आर क्यू का मध्य बिंदु देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। इसके निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगेगा, ओ आर और प्लस ओ क्यू, और इसके बटे में हमें लिखना है 2, इसके बटे में हमें कितना लिखना है 2 लिखना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, ओ आर की वैल्यू कितनी रखी है, ओ आर की वैल्यू इसके बाद देखिए मान देखिए यहाँ पर, तो देखिए ओ आर की वैल्यू कितनी है हमारे 3a और प्लस 5b, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 3a प्लस 5b, इसके साथ प्लस का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर लिखा है ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू कितनी हमारी है a माइनस 3b, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा a माइनस 3b, और अपान में हमें लिखना है 2, इसे भी हल करना है हमें अभी। तो देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4a, और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, से 3 जाएगा कितना बचेगा 2b, तो यहाँ पर लिखिएगा 2b अपान 2, जब इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी, तो हमारा इतना निकल गया, और हमारा ये 2a प्लस बी जो है ये बराबर है OP के, इसके बराबर है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो P जो है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है। इसके बाद आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः पी जो है वो आर क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। और आपका सवाल जो है इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सवाल नंबर 9 जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 10। और यदि वीडियो क्वालिटी अच्छी ना रही हो तो आप लोग इसे 360p या 480 पेपर करके देख सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 हमारा कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएँ 2i-4j प्लस 5k और i-2j-3k हैं, इसके विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको देखा है संलग्न भुजाएं, सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, क्या काम है, वो काम है कि हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, बनाइएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज सबसे पहले हमने बना लिया है, ठीक है,
हमने एक समांतर चतुर्भुज जो है बना लिया है। इसकी भुजा की बात है तो हमने मान ली ए वाली भुजा ए, ए वाली भुजा है बी, और इसके लिए हमारा जो विकर्ण जो है ये देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर के लिए जाएगा इधर के लिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो देखिए हमारा विकर्ण जो है निकल के आ चुका है, हमने इस समांतर चतुर्भुज का नाम रख लिया है ए बी सी डी। अब देखिए इतना जो है इतना हो गया है, इसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए विकर्ण तो पता लग गया हमें, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले कि विकर्ण, आप यहाँ पर लिखेंगे कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, हमारा ये जो है विकर्ण हो जाएगा। देखिए ए और बी की वैल्यू रखनी है हमें, ए की वैल्यू कितनी है 2i-4j+5k, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2i-4j और प्लस का 5k, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइए। और बी की वैल्यू कितनी है i-2j-3k, i-2j-3k हमें इतना दे रखा है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2i वाला कितना हो जाएगा 3i, और माइनस का 4j-2j तो हो जाएगा माइनस का 6j, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2k। तो हमारा जो है विकर्ण जो है निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया है। इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है, क्या काम करना है, इसका मॉड भी निकालना है, मॉड ए प्लस बी निकालना है। देखिए क्या सूत्र लगाएंगे आप लोग, अंडर रूट लगाइएगा, इस सबका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस का ये 2 का स्क्वायर कर लेंगे, हमारा कितना आएगा बराबर 3 * 9 होता है 6 * 36 और इसके बाद 2 * 2 = 4, तो हमारा कितना हो गया अंडर रूट 49 बराबर कितना आएगा 7। तो हमारा जो है मॉड निकल गया, मॉड ए प्लस बी बराबर आ गया है 7। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया इसके विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें बताया था मैंने कि मात्रक सदिश किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए इसका मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे। मात्रक सदिश निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला है कि ए प्लस बी अपॉन मॉड ए प्लस बी, देखिए यही फार्मूला हमारा है। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसे, देखिए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हमारी है 3i-6j और प्लस का 2k अपॉन मॉड ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। तो देखिएगा हमारा जो है यही जो है मात्रक सदिश जो है निकल के आ गया है, ठीक है, ये मात्रक सदिश निकल के आ गया है। लेकिन हमसे इसमें दूसरी बात भी पूछी है, फिर कहा गया है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अब वो आप लोग देखिएगा, देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है मॉड ए क्रॉस बी, ये हमारा सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे मॉड, सबका मान देखिए आई जे के, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या करना है ए वाला का मान देखना है, ए मान कितना था, ए का मान था 2i-4j+5k, तो 2i का मतलब खाली 2 आएगा, फिर माइनस का 4 आएगा और k का मतलब आएगा 5, और इसी प्रकार से b वाला देखिए हमें तो लिखा है i तो मतलब 1, फिर माइनस का 2 है और फिर माइनस का 3 है। अब देखिए हमें इसे हल करना है, हल करने के बाद हमारा उत्तर लिखिए क्या आ रहा है, देखिए बराबर i लिखिए यहाँ पर इंटू 4 * 3 होता है 12 माइनस तो प्लस हो जाएगा 10, फिर देखिए माइनस का j लेंगे यहाँ पर, अब देखिए लाइन और स्तंभ पंक्ति कट जाएगी, कितना बचेगा, हमारा बचेगा माइनस का 6 और माइनस का 5। इसके आगे हमें देखना है कि प्लस का k लिखना है हमें, और आगे देखना है कितना हो जाएगा, देखिए लाइन पंक्ति कट गई तो कितना बचा है माइनस का 4 और प्लस का 4, ये 0 हो जाएगा, तो हमारा आया है 22i और माइनस का 11 माइनस k भी जाएंगे तो मतलब प्लस का 11j, हमारा इतना जो है आया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए बहुत ही सिंपल सूत्र होता है, क्या होता है मॉड ए क्रॉस बी होता है इसका सूत्र। मॉड निकालने के लिए लिखेंगे अंडर रूट, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 22 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर, और इसे हल करने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा, देखिए बराबर हमारा क्या होगा, बराबर इसके बराबर में देखिए 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, तो 484 + 121 हल करेंगे हो जाएगा अंडर रूट 605, हमारा हो रहा है अंडर रूट 605, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 11 अंडर रूट 5। तो देखिए हमारा सवाल नंबर 10 भी लगभग क्लियर हो गया है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए सवाल नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 11 कह रहा है कि दर्शाइए कि ओएक्स ओवाई ओजेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक कोसाइन को जाएं 1/√3 1/√3 1/√3 है, आपको ये सिद्ध करना है। देखिए क्या कहा गया है कि ओएक्स ओवाई ओजेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए, तो देखिए झुके हुए बराबर हैं हम मान लेंगे, हमने क्या माना है कि माना जो ओपी जो सदिश है, सदिश ओपी जो है वो बराबर अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है, हम लिख लेंगे माना ओपी सदिश जो है वो ओएक्स कामा ओवाई तथा ओजेड
के साथ क्या है? बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। आप लोग इतना मान लेंगे पहले। अब जब ये बराबर झुका हुआ है तो ये समान कोण, और क्या लिखेंगे, और ये समान कोण कितना बनाता है? ये समान कोण बनाता है, अल्फा बनाता है, समान कोण अल्फा बनाता है। अब इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए इसके लिए दिक कोसाइन कितना जाएगा। हम देखें, जब हम लिखेंगे यल बराबर तो क्या हो जाएगा, यल बराबर कॉस थीटा। इसके बाद बात की जाएगी कि यम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा। इसी प्रकार से यम बराबर भी हो जाएगा कॉस अल्फा, और इसी प्रकार से यन बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। देखिए तीनों मान बराबर हैं तो इसलिए एलिमेंट कितना हो गया, अल्फा हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है, हमें एक फार्मूला याद है, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का कितना होता है, एक, ये होता है। हमें सबकी वैल्यू रखनी है, तो देखिए यल का मान है कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस यम का मान भी है कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस एन का मान भी है कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एक। इसका मतलब हुआ 3 cos² अल्फा बराबर एक, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। अब हमें सिर्फ कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी बराबर 1/√3। देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आई है, यही एम यल का मान यही है, यही एम का मान है, तो यही एन का मान है। तो अतः ये हमारा चित्र जो है, मतलब जो बात पूछी थी वो हमें प्रूव्ड हो गई है, ठीक है, कि सबका मान 1/√3 आ गया है। तो सवाल नंबर 11 आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 12, देखिए सवाल नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर i प्लस 4j प्लस 2k कामा b बराबर 3i माइनस 2j प्लस 7k और c बराबर 2i माइनस j प्लस 4k। एक ऐसा सदिश d ज्ञात कीजिए जो a और b दोनों पर लंब है, और c इंटू d बराबर 15 दे रखा है हमें। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिखा है जो a और b दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब हमें इतनी बात दे रखी है, और जब a और b पर लंब है तो हम सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमें निकाल लेना है a क्रॉस b, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a क्रॉस b। इसके निकालने के लिए फार्मूला लगाना है हमें, देखिए फार्मूला हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, देखिए i लिखेंगे, i j और k। इतना लिखने के बाद हमें a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू 1, 4, 2। अब b की वैल्यू रखनी है तो हो जाएगी 3 - 2 और 7। इतना हमें दे रखा है, इसे देखिए हल कर लीजिए पहले आप लोग। इतना ही बराबर देखिए आई यहाँ से लीजिए तो हो जाएगा 4 × 7 = 28 और माइनस का तो प्लस हो जाएगा 4। इतना हो जाएगा क्योंकि 4 × 7 = 28 हो जाएगा, और माइनस फिर 2 × 4 ये भी माइनस का है तो प्लस का हो गया। इसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह लगाइए, जे लिखिए। अब देखिए लाइन पंक्ति ये कट जाएगा, हो जाएगा 7 × 7 और माइनस के 5, 3 × 6 तो माइनस का 6 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्लस का के लिखिएगा यहाँ पर, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर के लिख लिया है हमने। अब देखिए लाइन पंक्ति सिस्टम कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 12। हल करेंगे हम इसे तो हो जाएगा 28 × 4 कितना हुआ, 32 i और माइनस का जे सिर्फ जे और माइनस का 14 k। हमारा ए भी निकल आया, ए क्रॉस भी निकल आया है। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमें क्या निकालना लिखा है, डी एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए हमें डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी निकालने के लिए लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर माना डी बराबर क्या मान लेंगे, लेमडा इंटू 32 i माइनस जे और माइनस के 14 k। आपको ये मान लेना है पहले, क्या मानना है कि माना डी, क्योंकि इसमें लंब था इसलिए हमने मान लिया माना डी बराबर लेमडा इंटू 32 i माइनस जे माइनस 14 k, ठीक है, इतना आप लोग मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये क्यों हो गया है, क्योंकि आपको दिया था कि डी जो है वो ए तथा बी पर लंब है, ए तथा बी पर लंब है। अब देखिए आपको एक चीज़ रखी है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि सी इंटू डी बराबर कितना है, 15। आपको क्या करना है, यहाँ पर है सी की वैल्यू रखनी है, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सी की वैल्यू आपकी है 2i माइनस का जे और प्लस के 14 प्लस के 4 k इंटू डी की वैल्यू कितनी है, ये रखिए यहाँ पर लेमडा इंटू लिखा है 32i माइनस का जे और माइनस का 14 k बराबर 15। आपको इतना दिया है, इसके आगे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बराबर देखिए 2 और 32 लेमडा अलग कर लीजिए, 2 + 32 = 32 दुना कितना होता है 64, तो यहाँ पर हो गया 64। इसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस 1 + 1 और इसके बाद देखिए हमारा यहाँ माइनस 14 × 56 बराबर कितना हुआ 15। लेमडा इंटू 64 हो गया 65 माइनस का 56 बराबर 15। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि लेमडा बराबर आ गया है 15/, और 65 से 56 जाएंगे बचेंगे 9, काटिएगा हो जाएगा 5/, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इतना जो है हो चुका है, 5/3 जो है हमारा आ चुका है लेमडा का मान। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा काम करना है, हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था डी की वैल्यू,
डी कितना है, डी है लेमडा इंटू 32 आई माइनस जे और माइनस के 14 के। हमें ये डी का मान दे रखा था, हमें करना क्या है, इसमें मान रखना है, तो जाएगा बराबर 5/3 इंटू 32 आई माइनस का जे और माइनस का 14 के। इसे थोड़ा और करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 32 पंचे करेंगे, देखिए 5 दूरी उसका 0 हासिल लगा, 1 5 15 1 16, तो 160 आई बटे 3 और फिर माइनस का 5j/3 और माइनस का 70k/3, और यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।